सर ज्योति और आपका स्वागत है कुछ आप टुडे लाइव न्यूज चैनल में। आइए करते कुछ मुख्य खबरों की शुरुआत। एक ही परिवार के दो मासूम बालकों की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत। मध्य प्रदेश के देवास जिले से बड़ी खबर आ रही, जहां एक ही परिवार के दो मासूम बालकों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से लगे ग्राम संदलपुर में एक हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के दो बालकों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि यह आयान पिता घीशु खान उम्र 12 साल निवासी सिराली जिला हरदा उसके मामा इब्राहिम खान के यहाँ ग्राम संदलपुर में मुहर्रम का त्यौहार देखने के लिए आया था। वही जुबेर पिता जिब्राइल खान उम्र 8 साल निवासी संदलपुर, दोनों बालक सुबह सोच की कहकर घर से निकले थे। जब काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने उन्हें जाकर तलाश किया, दोनों बालक के शव संदलपुर के बाहर बने कब्रिस्तान नाले के पानी में मृत अवस्था में मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां पीएम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। सर वो बच्चे दोनों गायब थे, घर से हो चुके थे, घर से घूमने के लिए निकल गए थे सर वो 8 बजे दोनों। एक तो उनका भांजा था और एक उनका लड़का था जिब्राइल भाई का। तो 8 बजे निकले हुए थे घर से, तो वो वहाँ से निकलने के बाद मतलब मिले नहीं, मतलब घर वालों ने समझा कि घूमने गए हुए हैं जी। तो घूमने गए तो घर पे 9 बजे के समथिंग घर वालों ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं दोनों। अच्छा, तो घर पे नहीं मिले, हो सका कि घूमने गए तो उसके पापा वगैरह से ढूंढने गए थे, चाचा वगैरह, तो घर पे मिले नहीं वो कहीं पे। तो फिर गाँव में ढूंढे, यहाँ वहाँ ढूंढे, खाल नदी में ढूंढे, तो उन खाल के किनारों पे मिला एक बड़ा लड़का, उनका भांजा, अपने कब्रस्तान है संदलपुर में, कब्रस्तान की खाली है उसके पास मिला है एक बड़ा भांजा उनका, और एक थोड़ा आगे उनका जिब्राइल भाई का लड़का मिला है 1 घंटे के बाद। अच्छा, ये दोनों बच्चों की उम्र क्या होगी लगभग? एक लड़के की है 10.5 साल और एक लड़के की 8 साल। ये आपस में रिश्ते में क्या लगते थे दोनों बालक? भाई भाई लगते थे दोनों। एक तो उनका मतलब भांजा है, मामा फूफी के लड़के हैं दोनों। ओके, देखते रहिए कुछ आप लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।